हाँ तो मेरे ताऊ जी अपने दिवाली इवेंट से रिलेटेड भाई काफी सारी खतरनाक और नई नई अपडेट निकल के आ गई है। इस बार अपने दिवाली इवेंट के अंदर दो बंडल को डिजाइन करे गए हैं, जिसके अंदर से अपने को कौन सा बंडल फ्री मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में इस बार अपने दिवाली इवेंट के अंदर आने वाले गैसे नए डिस्काउंट इवेंट की क्या डेट रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लाउन इनक्यूबेटर अपने गेम के अंदर वापस आने वाला है और साथ ही में भाई लोग एक मस्त सी न्यू फिश स्किन भी अपडेट के बाद एड हुई है, जिसका भी आने वाला है। बड़ी टोकन स्टोर अपडेट को लेकर एक मस्त सी अपडेट निकल के आ चुके हैं और आने वाला है एक मस्त सा रिंग इवेंट और एक खतरनाक रॉयल इवेंट। भाई लोग आज तुम्हारे भाई के पास ठीक है भाई कते खतरनाक और बवाल टाइप की अपडेट है। ओके हाँ तो भाई लोग सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं फिश स्किन इवेंट के बारे में। जैसा की आपको पता होगा गाइस अपने गेम के अंदर कोई भी न्यू फिश की स्किन अब नहीं थी, लेकिन फाइनली मेरे ताऊ जी OB46 अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर से एक न्यू फिश की स्किन ऐड हो चुकी है, जो कि अपने बुयटी इवेंट 2024 के थीम पे है। जो नई फिश की स्किन होती है गैस उसको लेकर अपने को फिडल विल देखने को मिलता है और जो पुरानी वाली फिश स्किन होती है उसको लेकर मोकोस्ट रहता है। अब ये फिश स्किन OB46 अपडेट के बाद एड करी गैस एक न्यू फिश की स्किन है, इसलिए आपको फिडल विल इवेंट के अंदर सस्ती इवेंट के अंदर मिल जाएगी। अब यार नॉर्मल से बात है अपने बुयटी इवेंट के थीम पे ठीक है, तो भाई इस वाली फिश की स्किन का आपको आने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब गेम के अंदर बुयटी इवेंट स्टार्ट करा जाएगा तभी जाके आपको दिखने को मिलने वाली है। बाकी गैस अगर बात करें कि इस मंथ अपने गेम के अंदर कौन सी मुट्ठी की स्किन को लेकर इवेंट दिखने को मिलेगा, तो देखो भाई लोग इस महीने अपने गेम के अंदर ये वाली मुट्ठी की स्किन और रैंपेज इवेंट की जो मुट्ठी की स्किन पेंडिंग में पड़ी है, इनमें से गैस दो नहीं तो गैसे दोनों मुट्ठी की स्किन को लेकर गैसे इसी महीने अपने गेम के अंदर आने वाले 21 से लेकर 25 सितंबर तक मोको स्टोरी इवेंट दिखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ ठीक है कि भाई आप लोग न्यू मुट्ठी की स्किन आने का वेट करोगे या फिर जो इस महीने ओल्ड मुट्ठी की स्किन को लेकर मोकोस्टर आएगा उसके अंदर स्पिन करोगे, आप कमेंट के अंदर बता रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास डायमंड नहीं है तो तुम यूज कर सकते हो गैस डायमंड खरीदो का सेकंड वर्जन स्टीरिया ऐप का, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग सस्ते में वीकली मंथली मेंबरशिप को परचेस कर सकते हो। तुम्हें सस्ते में वीकली मंथली मेंबरशिप तो मिल जाएगी और सस्ते में यहाँ से तुम लोग सस्ते में ईवो गन के टोकन भी परचेस कर सकते हो। बाकी ट्राई करना है, लिंक मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। मैं गैस यहाँ से मेंबरशिप को परचेस करता हूँ। वैसे तो भाई लोग गेम के अंदर अपडेट ही इसलिए आता है ठीक है भाई, ताकि गेम के अंदर नए रिवॉर्ड को ऐड करा जाए और घराना का मालिक का चावली उनको इवेंट के अंदर लाके अपन सभी को लूट सके। अपडेट के बाद काफी सारी गन स्किन गेम के अंदर ऐड करी गई है ठीक है, लेकिन भाई वो तो कुछ नॉर्मल से होती है, लेकिन भाई एक खतरनाक थॉमसन की स्किन ऐड करी गई है। इस वाले कैसे थॉमसन की स्किन का नाम है साइबर क्लाउस, जो की आप लोग देखो अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट्स की तो इसके अंदर आपको डबल डैमेज मिलेगा और रेंज आपको सिंगल प्लस मिलेगी। ये थॉमसन की स्किन कोई ईवो गन नहीं है ठीक है, लेकिन भाई ये ईवो गन से कम भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग से फीचर मिलते हैं। जैसे कि कैसे इसके अंदर आपको गन स्विच एनिमेशन मिलेगा ठीक है, और भाई स्पेशली एनिमेशन नोटिफिकेशन मिलेगा और यहाँ पे भाई लोग आपको मिलेंगे एनिमेशन गैस अनाउंसमेंट ठीक है गैस। हालांकि इसके अंदर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गैस मैं आपको बता दूं ठीक है कि इसके अंदर आपको गन स्विच साउंड भी सुनाई देने वाला है। बाकी भाई लोग जब भी अपने गेम के अंदर आएगी ठीक है भाई रिंग इवेंट के माध्यम से गैस गेम के अंदर लॉन्च करे जाने वाले। बाकी आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ ठीक है कि भाई क्या थॉमसन की स्किन आपको अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन भाई काफी काटने डायमंड वाला है ये। फिर वीडियो के अंदर अपन लोग आगे बढ़े और बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट की, तो भाई लोग अपडेट के बाद इटर्नल के थीम पे काफी खतरनाक रिवॉर्ड्स वगैरह ऐड करे गए हैं। जैसे कि भाई लोग सबसे पहले गाइस आप सभी को एक रिंग इवेंट के अंदर ठीक है भाई इटर्नल एसेंस नाम का बंडल देखने को मिल जाता है, जो की गाइस एक रेड कलर का कते बवाल टाइप का बंडल है। अगर भाई लोग आप लोगों ठीक है भाई शाहरुख सर की जो ठीक है क्या बोले रावण मूवी देखी होगी तो गाइस आपको पता होगा ठीक है उसके अंदर जो रावण का कैड ठीक है उससे मिलता जुलता आपको बंडल देखने को मिल जाता है। और काफी खतरनाक बात यह ठीक है कि इसके अंदर गैस आपको स्पेशल ट्रिगर इफेक्ट भी मिलेगी। बाकी इसके अंदर गैस मास्क है ठीक है भाई, एक हेलमेट की स्किन है, टॉप है, चेस्ट है और गैस बॉटम है। वेनम बंडल जो कि गैस अपना एक मैजिक क्यूब का बंडल ठीक है गैस ये इससे मिलता जुलता लगेगा आपको, हालांकि थोड़ा सा भारी भरकम है तो भाई क्या ही बोल सकते है। इसके बाद इसके अंदर गैस आपको क्लेम करने को मिल जाएगा इटर्नल एवेंजर बंडल, जो की गैस एक ग्रीन टाइप का बंडल है ठीक है, ग्रीन नहीं है भाई ये ब्लू टाइप का बंडल आपको मिल जाता है ठीक है, और भाई ये भी कते बवाल टाइप का है। हालांकि इसके अंदर गैस कोई भी ट्रिगर इफेक्ट वगैरह आपको क्लेम करने को नहीं मिलते ठीक है। तो भाई बाकी गैस इन दोनों मंडल को लेकर आप सभी को एक रिंग इवेंट देखने को मिलेगा यूनिवर्सल रिंग। ये इटर्नल इवेंट गैस कोई डेडिकेटेड इवेंट नहीं है ठीक है, छोटा मोटा गैस इवेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द पेड रिवॉर्ड के इवेंट ही आएगा, तो गैस इस महीने के एंड तक ये रिंग इवेंट गेम के अंदर आ सकता है। फिर वीडियो के अंदर आप लोग आगे बढ़े और बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट की, तो जैसा की आपको पता होगा ठीक है भाई अपडेट के बाद ट्रिपल स्टोर अपडेट हो गया, एक तो गैस डायमंड वाला
स्टोर है जहाँ वहाँ पे बंडल एड करे गए। मैजिक भी स्टोर अपडेट करा गया और अपडेट करा गया अपना FF टोकन स्टोर, लेकिन बंडी मार्ट टोकन स्टोर के अंदर कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। पहले सबसे पहले आप लोग ये जान लेते हैं ठीक है कि आखिर इस बार के बंडी मार्ट टोकन स्टोर अपडेट के अंदर कौन से रिवॉर्ड्स ऐड करे जाने वाले हैं। तो भाई लोग इस बार के बंडी मार्ट टोकन स्टोर अपडेट के अंदर ठीक है भाई जिम यूनिफॉर्म नाम का ठीक है कैसे एक बंडल ऐड करा जाएगा जो कि आपको अलग अलग पार्ट के अंदर क्लेम करने को मिलेगा। लाइक गाइस इसके अंदर एक बॉटम है ठीक है गाइस, इसके बाद एक टॉप है, फिर गाइस इसके बाद इसके हेयर स्टाइल आई मीन इसका टकले की स्किन और शूज की स्किन आपको पूरा प्रॉपर बंडल तरह इस तरह से मिलने वाला है। अपना जो भाई बंडी मार्ट टोकन स्टोर है ठीक है गाइस वो कोई अपडेट के बाद अपडेट करा नहीं जाता ठीक है भैया, अपडेट आने के बाद कुछ बीच के दिनों के अंदर इसे अपडेट करा जाता है। आने वाले गाइस 10 अक्टूबर तक ठीक है भाई डेडिकेटेड गाइस इवेंट आएगा जिसके अंदर अपना बंडी मार्ट टोकन स्टोर अपडेट करा जाने वाला है लाइक गाइस पिछली बार की तरह, और कुछ बंडी मार्ट टोकन के अंदर गाइस कुछ नॉर्मल से एक इमोट वगैरह भी एड कर दिया जाने वाला है। फिर पहले वीडियो के अंदर आप लोग आगे बढ़े और बात करें अपनी नेक्स्ट अपडेट की, तो जैसे कि गाइस मैंने अभी आपको ठीक है भाई इटर्नल के थीम पे गाइस एक रिंग इवेंट शो करा, वैसे गाइस इटर्नल के थीम पे एक रोल भी आने वाला है। इस रोल इवेंट के अंदर गाइस आपको इटर्नल का एक मस्त सी बैकपैक की स्किन देखने को मिलेगी ठीक है, जिसके अंदर भाई आपको एनिमेशन झोला भर भर के मिलने वाला है। अब OB46 अपडेट के बाद जो भी गाइस बैकपैक की स्किन गेम के अंदर एड करी गई है इसके अंदर गाइस कोई भी लेवल 1 लेवल 2 ऐसा नहीं है ठीक है भाई, डायरेक्ट गाइस मैक्स बैकपैक की स्किन आपको मिल जाएगी। बाकी गाइस इसके अंदर आपको एक कटना की स्किन देखने को मिलेगी और मिलेगी आपको एक SVD की स्किन जिसके अंदर रेंज डबल है और साथ में मैगजीन सिंगल प्लस है ठीक है भाई, नॉर्मल सी गन स्किन वगैरह इसके अंदर है। फिर इसके बाद गाइस एक यूजी की स्किन है जिसके अंदर एक्यूरेसी और मूवमेंट स्पीड दोनों सिंगल प्लस आपको मिल जाती है। जब भाई लोग अपने गेम के अंदर इटर्नल इवेंट स्टार्ट करा जाएगा ठीक है तब जाके गाइस आपको रिंग इवेंट और ये वाला रोल इवेंट दोनों देखने को मिलने वाला है। हालांकि गाइस आप लोग उम्मीद रख सकते हो ठीक है भाई कि इन दोनों गन स्किन के अंदर से गाइस एक गन स्किन गाइस रोल इवेंट के अंदर ना आके अपने को फ्री में क्लेम करने को दी जाए, क्योंकि भाई दोनों गन स्किन कुछ खास तो है नहीं। वैसे भाई लोग अब तक तो अपने को ठीक है भाई जो अपना ग्लू नोवा इवेंट है उसके अंदर से काफी फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिल चुके हैं और आने वाले वक्त के अंदर भी मिलने वाले हैं, जो कि गाइस पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक रिवॉर्ड को शो करा था। अब जल्द गाइस आप सभी को ठीक है भाई ग्लू नोवा इवेंट के अंदर से एक और फ्री का फेस पेंट क्लेम करने को मिलने वाला है ये वाला। अब ये जो गाइस फेस पेंट ठीक है भाई कते मस्त टाइप का है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत एनिमेशन भी है ठीक है जो कि गाइस हिलता रहता है तो काफी बढ़िया लगता है ये। जल्द भाई लोग आपको ग्लू नोवा इवेंट के अंदर से ठीक है भाई ये वाली फेस पेंट का जो फ्री मिशन इवेंट है वो अवेलेबल करके अपन सभी को ये फ्री क्लेम करने को दिया जाने वाला है। लास्ट बार की दिवाली कार्निवल इवेंट के अंदर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तो तुम्हें पता होगा ठीक है कि लास्ट बार की दिवाली कार्निवल इवेंट के अंदर क्लाउन इनक्यूबेटर देखने को मिला था। अब लास्ट बार की दिवाली कार्निवल में क्लाउन इनक्यूबेटर आ गया था ठीक है, तो भाई इस बार के जो अपना दिवाली कार्निवल इवेंट आएगा उसके अंदर तो क्लाउन इनक्यूबेटर नहीं रह सकता ना, क्योंकि भाई हर बार तो ये नहीं आ सकता, तो इसीलिए भाई लोग आप लोग नेक्स्ट अक्टूबर महीने के अंदर अपना जो गाइस क्लाउन इनक्यूबेटर है गाइस आपको रिंग इवेंट की मदद से गेम के अंदर गाइस वापस देखने को मिलने वाला है। जैसे भाई लोग अगर आप ऐसे कोई बैठे के भाई अपना जो क्लाउन इनक्यूबेटर गाइस वापस आने का वेट कर रहे हैं ठीक है, तो भाई नेक्स्ट महीने के एंड तक अपना जो गाइस क्लाउन इनक्यूबेटर है इसे रिंग इवेंट की मदद से गेम के अंदर लॉन्च करा जाने वाला है। एक और गाइस मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा ठीक है कि भाई ये क्लाउन इनक्यूबेटर गाइस अकेला इनक्यूबेटर नहीं आएगा, इसके साथ में गाइस कोई ना कोई रेयर बंडल आपको ग्रैंड प्राइस के अंदर देखने को मिलने वाला है, यानी गाइस आपको कोई अच्छा खासा ठीक है भाई रेयर बंडल आपको क्लेम करने को मिलेगा, साथ ही में गाइस आपको क्लाउन इनक्यूबेटर का जो बंडल है उसको भी क्लेम करने का मौका मिलेगा एक रिंग इवेंट की मदद से। हमें गाइस 26 अक्टूबर तक यानी गाइस नेक्स्ट महीने के एंड तक इसको लेकर आपको रिंग इवेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस इसको लेकर जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी मैं आपको बताऊंगा। वेल भाई लोग अब आप लोग बात करते हैं अपने दिवाली इवेंट के फ्री बंडल इवेंट के बारे में, तो इस बार के गाइस दिवाली इवेंट के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ वगैरह हो सकती है ठीक है, आई मीन गाइस मेरे कहने का मतलब ये है अगर गाइस आप लोग हमारे रेगुलर यूजर हो ठीक है तो आपको गाइस मैंने आपको अपडेट दी थी ठीक है कि इस बार दिवाली इवेंट के अंदर एक फ्लैश नाम का डिस्काउंट इवेंट आने वाला है। इस डिस्काउंट इवेंट के काफी सारे बैनर है ठीक है भाई, सबसे पहले ये वाला बैनर देखो जिसके अंदर ठीक है जो अपना हनुमान जी के थीम पे बंडल है उसे शो करा गया है। फिर इसके बाद गाइस ठीक है दूसरा ये वाला बैनर देखो जिसके अंदर अपडेट के बाद जो अपना दिवाली इवेंट का ठीक है जामा जी के थीम पे बंडल है यार वो देखने को मिल जाता है। टोटली भाई लोग दिवाली इवेंट के थीम पे जो दो बंडल है ठीक है भाई वो दोनों बंडल गाइस इस डायमंड वाले डिस्काउंट इवेंट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी का तो कैसे यही अपडेट है ठीक है कि भैया दोनों बंडल गाइस इस डिस्काउंट इवेंट के अंदर आ जाएगा, लेकिन भाई यार कोई तो बंडल अपने को फ्री में मिलना चाहिए ठीक है जो कि 100% कंफर्म है कि फ्री मिलेगा भी। बाकी कैसे अगर भाई ठीक है भाई सच में दोनों बंडल इस डिस्काउंट इवेंट के अंदर आ जाता है ठीक है तो अपने को गाइस कोई पुराना वाला बंडल भाई दिवाली इवेंट के अंदर से फ्री में क्लेम करने को दिया जाएगा। बाकी कैसे ये फ्लैश डिस्काउंट इवेंट अपने को आने वाले गाइस
22 अक्टूबर तक गेम के अंदर अपने को देखने को मिलने वाला है, ये जो कि अपडेट निकल के आई थी मैंने आपको बता दिया। फिर गैस अपने दिवाली इवेंट के थीम पे गैस एक इमोट जिसे गैस फिडल विल इवेंट के अंदर लॉन्च करा जाएगा, काफी मस्त इमोट है। और इसके बाद गैस वापस आपको मिलेगा एक प्रोफाइल एनिमेशन, ये प्रोफाइल एनिमेशन गैस नया प्रोफाइल एनिमेशन इवेंट है गैस, तो इसे भी अपने गेम के अंदर फिडल विल इवेंट के माध्यम से गैस नेक्स्ट महीने के अंदर ला दिया जाने वाला है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि भाई दिवाली इवेंट से गैस रिलेटेड आपको कोर्क और कौन कौन से इवेंट के बारे में अपडेट है, या आप कमेंट के अंदर बताना, मैं कवर कर दूंगा। बाकी गैस तब तक के लिए फ्री फायर एक्स ब्लू लोग कोलब इवेंट के अंदर काफी फ्री का रिवॉर्ड क्लेम करने को मिलेगी, और कंफर्म हो चुका है अपना न्यू गोल्डन शेड बंडल का इवेंट, आपको जानना है लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट लकी विली इवेंट के डेट कंफर्म हो चुके हैं विद गैस इसके रिवॉर्ड्स वगैरह, आपको जानना है राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो।